दोस्तों, वेलकम टू कार बाइक 360। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हमारे साथ में है मारुति सुजुकी नई ऑल्टो केटन। नई ऑल्टो केटन जो है मारुति सुजुकी ने आज कर दिया लॉन्च। इसमें बाय द वे आ रहे हैं चार वेरिएंट्स, स्टैंडर्ड वेरिएंट, LXi, VXi एंड VXi प्लस। प्लस दो वेरिएंट आपको और मिल जाएंगे अगर आप AGS यूनिट यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन या AGS के अगर हम थोड़ा एब्रिविएशन खोलें तो उसका होता है ऑटोमेटिक गियर स्विच। तो वो अगर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए यानी कि आप एक मैनुअल ट्रांसमिशन से शिफ्ट होना चाहते हैं एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरफ, तो AGS जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो दो वेरिएंट्स आपको VXi एंड VXi प्लस वहाँ मिलने वाले हैं। कॉस्टिंग मैंने आपको बताई दी है 3,99,000 रुपये से इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट कर रही है। एनीवे, लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट। और आज हम आपको एक डिटेल ड्राइव रिव्यू देने वाले हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो केटन का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलता हूँ, दिखाता हूँ इसके फ्रंट प्रोफाइल को। तो जब आप फ्रंट प्रोफाइल को देखोगे तो ये देखिए अटेंशन टू डिटेल, ये हेक्सागोनल जितने भी शेप्स हैं ना, ये आपको ना केवल हेडलाइट यूनिट में मिलेंगे बट टायर के जो ऊपर लगने वाले कवर होते हैं उसके ऊपर भी नजर आएंगे एंड टेल लाइट यूनिट में भी नजर आएंगे। यहाँ पर आपको क्लियर लेंस मिलते हैं, हेलोजन ही हैं, और इसके साथ में जो है वो आपको ब्लैकआउट काफ़ी हद तक किया गया है। टर्न इंडिकेटर पोर्शन इधर, ये जो है वो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लास्टिक तो दिया ही हुआ है, इसके ऊपर क्रोम की फिनिशिंग भी दी गई है, ब्लैकआउट किया हुआ है ये वाला पोर्शन। यहाँ पर भी हेक्सागोनल टच जो है वो दिया गया है। इधर अगर आप देखें तो सी सेक्शन में यहाँ पर आपको क्रोम इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा, हालांकि कोई फॉग लैंप यूनिट ऐसा सच नहीं है। और यहाँ पर जो है वो आपको देखने को नज़र आएंगे कैरेक्टर लाइंस। अब दोस्तों, दो वेरिएंट में या दो मैं कहूँ कि कस्टमाइजेशन पैक के साथ में आ रही है, एक ग्लिंटो एक एंड एक इम्पैक्टो। तो ये दो कस्टमाइजेशन पैक हैं, अलग अलग तरीके से आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ग्लिंटो ज़्यादातर जो है वो सोफिस्टिकेटेड और ज़्यादा ग्राफिकल चेंजेस आपको जो है वो ग्लिंटो में नज़र आएंगे, बट अगर आप इम्पैक्टो देखोगे तो थोड़ा सा ऑफ रोड बनाने के, थोड़ा रगेड लुक जो है वो यहाँ पर देने की कोशिश की है मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 को। साइड प्रोफाइल से लेके चलता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको एंट्री लेवल ही नज़र आएगी। इसकी लेंथ जो है वो कमाल की रखी गई है, पहले से जो है वो व्हील बेस बड़ा है, तो निश्चित तौर पर जो है वो अंदर स्पेस भी इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ORVM के पे अलग से आपको फिनिशिंग नज़र आएगी, कार्बन फिनिशिंग नज़र आएगी। यहाँ पर भी जो है वो रूफ वाइजर ऑफर किया गया है एंड ये जो क्रोम की लाइनिंग है ये थ्रू आउट द विंडो पैनल आपको देती हुई नज़र आएगी। नीचे अगर हम जो लोग चलें तो फेंडर लाइन पे आपको जो है वो टर्न इंडिकेटर ऑफर किया गया है, यहाँ पर क्रोम लाइनिंग अगेन। एंड इस तरफ अगर आप चलें तो यहाँ पर जो है वो व्हील साइज़ भी 13 inches ही हैं बट 145/60 सेक्शन के हैं। मैकफर्सन स्ट्रट्स आपको देखने को नज़र आएंगे, ये क्रोम लाइन अगेन आपको पीछे तक जो है वो फॉलो होती हुई नज़र आएगी एंड शोल्डर लाइन जो है वो आपको इधर ही ऑफर होती हुई नज़र आई है। दोस्तों चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल में, और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो स्पॉइलर जैसी देने की जो है वो एक ब्लैकआउट पट्टी जो है वो इंटीग्रेट की गई है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, और थोड़ा नीचे चलोगे ऑल्टो एंड K10 की बैजिंग, इधर भी सुजुकी का लोगो दिया गया है। थोड़ा नीचे चलेंगे ना तो यहाँ पर क्रोम का पार्ट एक्स्ट्रा रखा गया है, दो पार्किंग सेंसर्स ही आपको मिलते हैं। बाय द वे, इसके अंदर जो है वो बूट एक्सेस करने का कंट्रोल इधर ही है, तो मैं इधर से इसके बूट को पहले एक्सेस करता हूँ। तो देयर वी गो, अब चलते हैं इसका बूट मैं आपको एक्सेस करवाता हूँ। ऑल गाइज, सो दिस इज़ द बूट ऑफ न्यू ऑल्टो K10। यहाँ अगर आप देखें तो अच्छा खासा स्पेस दिया गया है, इनफैक्ट बूट मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। लोडिंग लिप ज़रूर थोड़ी ज़्यादा है, अब एंट्री लेवल है तो इतना लोडिंग लिप तो आपको मिलना निश्चित है। कोई 60-40 स्प्लिटेबल सीट नहीं है, स्ट्रेट लाइन जो है वो सीट यहाँ पर दी गई है, बट डेफिनेटली यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो पार्शल ट्रे ज़रूर ऑफर की गई है, ऊपर भी जो है वो कवर दिया गया ताकि केबल्स वगैरह जो है वो ईजिली छुप जाए। तो इंटीरियर चलते हैं, इंटीरियर ज़रा चेकआउट करते हैं दोस्त। ऑल राइट गाइस, अगर मैं इंटीरियर्स पे चलूँ तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है बदली है, बहुत सारी है, ये डेफिनेटली एक नया प्रोडक्ट हो गया है। स्टेयरिंग पे अगर आप देखें तो कंट्रोल्स आपको नज़र आते हैं लेफ्ट साइड में, कॉल पिकअप एंड ड्रॉप के कंट्रोल्स हैं, इधर वॉल्यूम अप एंड डाउन, साथ ही साथ आप म्यूट एंड ट्रैक चेंज कर सकते हैं। राइट साइड पर निश्चित तौर पर कोई भी आज सच आपको बटन्स ऑफर नहीं किए गए हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो ये 7 inches का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो अब एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ में आता है। सराउंड क्वालिटी इसके अंदर जो है वो 4 स्पीकर सब ऑफर किए गए हैं, कुछ कुछ आपको जो है वो ये AC के वेंट्स याद दिलाने वाले हैं एस्प्रेसो की, और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी इनफैक्ट एस्प्रेसो जैसा ही आपको नज़र आने वाला है। तो कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि डिजिटल है कम्प्लीटली, और यहाँ से आपको जो है वो डायल्स देखने को नज़र आ रहे होंगे लेफ्ट एंड राइट में दिए गए हैं। तो अभी हमारे पास में चाबी नहीं है तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर एंड इन्फोटेनमेंट सिस्टम को तो नहीं दिखा सकते हैं, बट निश्चित तौर पर ये देखिए ये AC के वेंट्स, AC के कंट्रोल्स ज़रूर यहाँ पर दिए गए हैं जो पार्ट शेयर्ड है, और
इसके जस्ट नीचे 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई एंड इधर जो है वो यूएसबी एंड ऑक्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं एंड यहाँ पर जो है वो दो सेक्शन दिए हैं कैन होल्डर और यहाँ पर भी स्पेस ऑफर एक्स्ट्रा की गई है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो पार्किंग ब्रेक आपको देखने को नजर आएगा। इनफैक्ट इस वाले कस्टम पैक पे आप देखेंगे कार्बन फिनिशिंग भी दी गई है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं दोस्तों और यहाँ देखिए ये जो पूरा डैशबोर्ड है ये काफ़ी अच्छे लेआउट के साथ में अब डिज़ाइन किया गया है। अब मोनोटोनस नहीं लगता है बट जो कलर है वो ज़रूर मोनोटोन यानी कि स्टैंडर्ड रखा गया, ब्लैकआउट किया गया है इसको। जो सीट्स जिन सीट्स में मैं बैठा हूँ ये भी काफ़ी अच्छे कुशन के साथ में, कंफर्ट इसके अंदर अच्छा है। थोड़ी सी ब्रॉड लग रही है मुझे कंपैरेटिव प्रीवियस जनरेशन ऑल्टो K10 के। ये देखिए कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर भी ऑफर होता हुआ नज़र आने वाला है। थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ सीट आपके लिए और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से सीट्स मैं रखूँगा अगर मुझे ड्राइव करनी होगी गाड़ी तो। अब पीछे में पीछे वाली रो यानी सेकंड रो में चेक करते हैं कैसी स्पेस वहाँ भी दी गई है। और गाइस यहाँ से चेक करते हैं इसके इंटीरियर्स और जब आप सेकंड रो में चलेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आने वाले हैं कुछ इस तरीके का हेडरूम जो है वो डिसेंट इनफ है। मैं 5'10" की हाइट मेरी है उस लिहाज से ये हेडरूम जो है वो डिसेंट इनफ मुझे लग रहा है। और अंडर थाई सपोर्ट इज़ अमेजिंग, शोल्डर रूम भी इज़ क्वाइट गुड, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट नी रूम एंड लेग रूम भी जो है वो अच्छा खासा ऑफर कर रही है। ये पुराने वाली ऑल्टो K10 से मुझे ज़्यादा एयरी नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है कि व्हील बेस की वजह से जो है वो स्पेस ज़रूर इसके अंदर क्रिएट हुई है और इंटीरियर में स्पेस की कमी आपको एज अ स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली अगर आपकी है, 4 जने हैं 3 जने हैं, निश्चित तौर पर कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर ऑल्टो K10 को बाय करने के बाद नहीं होने वाली। स्पेस को लेके एक कंसर्न ज़रूर रहेगा अगर आपकी ज़्यादातर पार्ट जो है वो सेकंड रो में चलना होता है आपको, तो हेडरेस्ट ऑलमोस्ट आप नहीं ही यूज़ कर पाओगे अंटिल अनलेस आपकी हाइट जो है वो 5'5" या उससे कम नहीं है, क्योंकि ये एडजस्टेबल नहीं है तो पीछे से जो है वो आपको फिक्स्ड ही मिलने वाले हैं। ज़रा इंजन भी चेक करते हैं। और गाइस सो दिस इज़ द इंजन, ये न्यू जनरेशन के 10C सीरीज इंजन है। हालांकि इसको थोड़ा एडवांस किया गया है क्योंकि अब ये डुअल जेट डुअल VVT के साथ में आता है, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली इसकी बड़ी है। 24.9 किलोमीटर पर लीटर का जो है ये माइलेज फिलहाल क्लेम कर दी है मारुति सुजुकी एंड रियल लाइफ में मुझे उम्मीद है तकरीबन 18-19-20 के आसपास ये सिटी में देगी एंड हाईवे पे जो है वो क्रॉस करेगी 22-23 KMPL के अबव भी। सो ये जो है वो 67 BHP की पावर प्रोड्यूस करती है, 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क और साथ ही साथ 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन एंड एक 5-speed ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन यानी कि AMT जिसको हम कहते हैं उसके साथ में इसको मेट किया गया है। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो ज़रा हम बताएंगे जब हम इस गाड़ी को चलाएंगे, तो उसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार बाय व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।